हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिकमेंडमेंट आ रही है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये एक जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों की जॉब होने वाली है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है जिसमें कि डिप्लोमा, बी टेक, आई टी आई और बी टेक इन एनी ब्रांच वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। तो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए हम चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि 21 जुलाई में रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर मेट्रो रेल्स। तो ये एक जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है। तो MPRCL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है फ्रेंड। डिटेल्स अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग देख सकते हैं। 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट 31 अगस्त, यानी 1 मंथ रखी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों की पे स्केल भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो यहाँ पोस्ट कोड MPM देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 26 रहेगी फ्रेंड्स, अनरिजर्व 8 और OBC 7, ST वालों के लिए 5, SC के लिए 4, AWS के लिए 2, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे स्केल 33,000 से लेके 1 लाख रखी गई है फ्रेंड्स, और पे अलाउंस और आप लोगों को पर्क्स वगैरह मिलाकर काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 50। और यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और या फिर BSc इन ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी A1 रखी गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट जो है सुपरवाइजिंग सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की है। तो यहाँ पे 7 वैकेंसी रिलीज हुई है, सेम पे स्केल 33,000 यहाँ बढ़ाकर है 33,000 से लेकर 1 लाख रहेगी। 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है। B1 कैटेगरी की रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की है। 10 ईयर वैकेंसी रिलीज हुई है फ्रेंड्स, 20,000 से लेकर आप लोगों का 60,000 तक यहाँ पे स्किल रखी गई है। मेट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI NCVT SCVT इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशन मैकेनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसी तरह सुपरवाइजर ट्रैक्शन ENM में 8 वैकेंसी रिलीज हुई है, 33,000 से लेकर 1 लाख। 3 ईयर डिप्लोमा मांगी गई है इन दिस डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है फ्रेंड्स डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों के लिए और BTech वालों के लिए फ्रेंड्स। मेंटेनर ट्रैकॉम ट्रैक्शन ENM में 9 वैकेंसी रिलीज हुई है, 20,000 से लेकर 60,000। मेट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI होना चाहिए फ्रेंड्स इन दिस डोमेन में। आप लोग देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सुपरवाइजर ट्रैक की वर्टिकल रिजर्वेशन 33,000, 1 लाख रहेगी बेस स्किल। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल वालों के लिए है फ्रेंड्स। इसी तरह मेट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI यहाँ पे मेंटेनर के लिए है, 20,000 से लेकर 60,000। इसी तरह सुपरवाइजर वर्क्स के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल मांगी गई है, 33,000 से लेकर 1 लाख रखी गई है इसके पे स्केल। मेंटेनर वर्क्स के लिए मेट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स वालों के लिए है मौका इसमें। स्टोर असिस्टेंट में फ्रेंड्स बैचलर डिग्री मांगी गई है, इनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 2 वैकेंसी रिलीज हुई है इसमें, तो काफ़ी अच्छा मौका है। 4 असिस्टेंट के लिए भी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन वाले एलिजिबल रहेंगे। 25,000 से लेकर 80,000 पे स्किल रखी गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की 25,000 से 80,000 रखी गई है। 2 वैकेंसी रिलीज हुई है, BCom वाले, MCom वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो टोटल 88 पोस्ट रिलीज हुई हैं, तो ज़रूर से अप्लाई कर दें फ्रेंड्स। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों को देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। फॉर रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑन मोर देन 1 ग्राउंड ही और शी वुड बी अकॉर्डेड द हाइएस्ट ऑफ द एज रिलैक्सेशन नॉट क्यूमुलेटिव फॉर विच ही और शी एलिजिबल। नो एज रिलैक्सेशन अलाउड टू SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेन अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए, तो उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद जब सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वेरियस पोस्ट की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सुपरवाइजर ऑपरेशन के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBAT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। इसी तरह सुपरवाइजर सिग्नल टेलीकॉम के लिए CBT होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, CBAT नहीं होगा इसमें। ये सारे पोस्टों का आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। 590 इंक्लूडिंग GST जनरल OBC वालों के लिए, WS
प्रोसेसिंग फी फॉर एमपी डोमिसाइल ओनली उन लोगों के लिए, यानी यहाँ पे ऑल इंडिया एलिजिबल रहेंगे 295 इंक्लूडिंग जीएसटी। और यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।